बढ़िया नहीं अब बढ़िया है तुम्हारा भाई साहब, आज जो न्यूज लेके आया हूँ ना मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे गम है। तुम्हें मालूम है आज क्या न्यूज है? अंबानी ने 4 घंटे के अंदर $5 बिलियन खो दिए, लॉस किए $1 बिलियन, 5 ऐसा समझ रहे हो? मतलब हमारे 5 रुपए खो जाए तो हमारी पैंट गीली हो जाती है, $5 बिलियन भाई साहब। और मैं तो इतना शुद्ध गरीब हूँ कि मुझे यही नहीं पता बिलियन में 0 कितने होते हैं। पकौड़े उसे अनपढ़ होना कहते हैं, ओ एक मिनट लेट मी करें, उसे पढ़ा लिखा गवार कहते हैं जो मैं हूँ, छोटे लुल्ले वाले लेसबियन। आज सिर्फ पैसे की बात करेंगे भैया, कितना अकाउंट में बैलेंस है तुम्हारे, कितना है बता दो। मेरे अकाउंट में 4,000 है सालों, अगर ऊपर है तो बोलना, नीचे वालों को नहीं बोलेंगे। कुछ भी मेरा एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं बैठ के सोचता हूँ, मैं अकेला नहीं हो सकता इस चीज के लिए। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 4,000 हैं, मतलब आज तक टिकते नहीं इतने, बट अगर मेरे अकाउंट में 4,000 हैं तो मुझे अमीरों वाली फील आ जाती है। ये हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारे अकाउंट में 500 रुपए हैं, और यूजुअली 500 भी नहीं रहते थे, तो 500 आते ही तुम अमीर हो गए। अरे क्या ये बाय कर लेंगे, वो बाय कर लेंगे, क्या ये विला बाय करना, बाय करेंगे 500 रुपए में। अरे जब हमें 500 और 1,000 के बीच में ये फीलिंग आती है, अंबानी को कैसी फील आती होगी भाई? पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, पैसे की कमी नहीं। चल मेरे को ना अभी एहसास हुआ, क्या गरीबों वाली बात कर रहा हूँ, माइंडसेट ही गरीबों वाला, साले रोड पे रहता है क्या तू? हम शुद्ध गरीब है। बट पैसे की बात चल रही है तो अभी बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है हिंदुस्तानी भाव एजाज खान के साथ किसी कोई OTT प्लेटफॉर्म में डॉन सिनेमा करके, तो जहाँ पे दोनों ने, हिंदुस्तानी भाव ने और एजाज खान ने बोला है कि ये फ्रॉड प्लेटफॉर्म है। और सिर्फ ये दोनों नहीं, बहुत सारे टिकटॉकर्स ने भी कंप्लेन करी है कि ये जो प्लेटफॉर्म वाला है ना डॉन सिनेमा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो बना लेता है, बड़े बड़े सपने भी बोल देता है, बट पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं। और मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि हाँ ये हो रहा है, ये होता है इस इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग तुमसे काम करा के पैसा नहीं देते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार मैंने डील करी उसके पैसे मुझे मिले नहीं है। मेरे को ऐसा ये सिस्टम समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट जा रहा हूँ या रियल वर्ल्ड में रहता हूँ या रहा हूँ इतने टाइम में, कि अगर तुमने काम किया ना तो काम के बाद सीधा पैसा होता है। ये नहीं कि तुम्हें 2 महीना लटका दे बहनचोद, मतलब ऑफिस में होता ना वो कि तुमने ऑफिस छोड़ दिया उसके बाद 3 महीने लटकते हो तुम PF निकलवाने के लिए या फुल एंड फाइनल के लिए, वो लॉजिक नहीं बनता मेरे को। साले काम किया खत्म कर रहा पैसा दे। बट मैं बोलता है या क्या ऑनलाइन कभी इस चीज में, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे साथ ही हो रहा, बट जब भी ऐसा हुआ था मेरे को यही सुनने में आया कि इंडस्ट्री ऐसी काम करती है, मैं कहा इसलिए मैंने बंदी कर दिया, आपसे करूंगा ही नहीं कोई आड़ में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ वो गलत बोल रहे हैं, बदनाम करने सही है, वो एक्चुअली ऐसी चीज है, बट पॉइंट इज कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है। और अगर तुम क्रिएटर हो या इस इंडस्ट्री में घुसने की सोच रहे हो तो काम करा और अप्रूव हो गया तो उससे पहले पैसा लो, अप फ्रंट लो। ये 2 महीने वाला हिसाब मेरे को कहीं पे कोई सेंस नहीं बनाता। ध्रुव राठी पे भी तुम्हें मालूम है, अभी एक्यूजेशन पड़ा था कि एक बंदे ने बोला था कि एक बड़ा क्रिएटर है जिसने 30 लाख 40 लाख लेके कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी पे वीडियो बनाई थी, और अभी 60 लाख लेके सुशांत की फैमिली पे एक्सपोज बनाने वाला है, जिस पे ध्रुव राठी ने रिएक्ट किया था कि भैया मैं तो सोच भी नहीं रहा बनाने की, बट इतने पैसे मेरे को मिलते नहीं। और अभी फिर से उसी बंदे ने जो पहले अक्यूज कर रहा था उसने वापस बोला है कि मैं तेरा नाम लिया है, पकौड़े इधर नाम लेता ना मैंने हैं, बट थैंक यू तू खुद ही बोल रहा है, और थैंक यू तूने आइडिया ड्रॉप कर दिया या नहीं बनाने वाला वीडियो में। और रही बात तेरे पैसे की पे डिनाई करने की ना, उसके बारे में बात करूंगा, बट अभी मेरा फोकस वो नहीं है। मतलब ऐसे 3 पॉइंटर पे बोला जिस पे कंगना दीदी कूद गई, कंगना तेरा नहीं। तो फिर कंगना दीदी ने इस पे रिएक्ट करते हुए बोला कि वेल डन, तुमने जो क्या सही किया, क्योंकि ऐसे लोग पैसा लेके कुछ भी फेक न्यूज बताते हैं, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला BMC के नोटिस लेटर के लिए पैसे लेके, और इस चीज के लिए मैं उनको जेल में डलवा सकती हूँ। और कोई क्यों कर सकता है ऐसे, ओपनली झूठ कैसे बोल सकता है लीगल मैटर में? अब देखो मैंने वो वीडियो देखी नहीं, अब कंगना दीदी बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने फिर वीडियो देखी है तो उनको पता है, क्योंकि मैटर उनका है, मैटर कंगना वर्सेस BMC है ना। तो जितने भी राठी फैन है यू नो मैंने लास्ट वीडियो में सपोर्ट किया था, बट अभी कंगना की स्टेटमेंट है यहाँ पर तो मैं कंगना के साथ एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि केस अगर मेरे लाइफ से रिलेटेड है, मतलब मेरा किसी के साथ पंगा है, तो लीगल मैटर भी हमें ही पता है। लीगल मैटर कोई पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं करता सब कुछ, मेरे को पता है सच्चाई क्या है, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं है वो, तो तुम्हें कैसे पता चल रही है? फिर तो तुम कहीं से सपोर्ट लेके आ रहे हो ना, वो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। बट अगेन मैं राठी की एक्सप्लेनेशन का वेट कर सकता हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट अगर कंगना बोल रही है तो कंगना मैं सपोर्ट करूँगा कंगना को, क्योंकि उसका एक वैलिड पॉइंट है। तुम मेरा मैटर मुझे पता है, तुझे नहीं मालूम तू झूठ क्यों बोल रहा पब्लिकली, या तो पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ कर या मत कर, एज सिंपल एज दैट। तो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ राठी पे, बट इस जहाँ तक अपडेट है उसमें मैं कंगना के साथ खड़ा हूँ। अभी राठी क्या कहता है वो देखना बाकी है, क्योंकि राठी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला इस पे, बट आई थिंक
एंड आई नो कि उसके पास कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर तू मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है और मैं आके बोल देता हूँ कि तू गलत बोल रहा है, तो तेरा काम है, तेरी ऑडियंस पे इतना क्या कहते हैं जिम्मेदारी बनती है तेरी कि तू उनको एक्सप्लेन कर कि क्या गलती हुई है और क्यों गलती हुई है. मेक सेंस? बट लेट मी नो, ये मेरा ओपिनियन है, तुम किसके साथ खड़े हो? हाँ, वॉर करने जा रहे हो, साथ खड़े हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है बेसिकली? अमेरिका का दलाल बहनचोद. अभी देख रहा, बैक टू बैक पैसे पैसे इन्वॉल्व की बात कर रहे हैं. दिल से अक्षय कुमार निकल रहा है, पैसों का चक्कर बाबू भैया, पैसों का. सही बोल रहा हूँ, मेरा भी मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का. ठंड आ रही है ना, आलस आता जा रहा है, मन करता छोड़ दूँ, फिर मैं कहता पैसे, आई मीन वीडियोस, आई लव मेकिंग मनी, सॉरी वीडियोस. अबे साले, अभी वीडियोस, पैसा और लीगैलिटी की बात चल रही है तो दिल्ली भी आ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में तुम्हें याद है बाबा का ढाबा बड़ा फेमस हुआ था, उसके बाद गौरव स्वाद ऑफिशियल जो है उन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी, और फिर लक्ष्य चौधरी सम्राट भाई ने एक्यूज़ किया था कि तूने पैसे खाए हैं, क्योंकि उसने एक वीडियो में बोला था कि हमें 20 लाख रुपये मिले, बट बाबा के ढाबा ने खुद कैमरे पे बोला कि उसे 1 रुपये नहीं मिला ऑनलाइन डोनेशन से, जिसके बाद उन्हें 2 लाख रुपये दिए गए, और जिसके बाद वापस उसे कॉल आउट किया गया, और फिर उसने अपनी एक्सेल पे स्टेटमेंट दिखा दी जहाँ पे उसको 0 रुपये की डोनेशन मिल रही है. ये गलत सही नहीं लगा, ऐसा लग रहा है मैं ब्लो जॉब दे रहा हूँ किसी को, हैंड जॉब, सॉरी. सो अभी बाबा के ढाबा के जो ओनर है, बाबा जी जो हैं, बाबा जी कहाँ हो आजकल, दिख नहीं रहा, बड़े दिन से गायब हो, बच्चों याद आ गया था मुझे. बट बाबा का जो ओनर है ढाबा का, क्या बाबा जो बाबा का ढाबा वाला, तो बाबा जो है ना, उन्होंने FIR दर्ज, मतलब कंप्लेन दर्ज करी है, FIR दर्ज नहीं हुई, तो मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन दर्ज करी है कि उनके साथ जो गौरव है, जानबूझ के या अनजाने में उन्होंने उसके साथ उनके पैसों के फंड के मिसयूज़ किया है, कुछ करा है, गड़बड़ करी है, उनको पूरा पैसा नहीं ट्रांसफर किया जो पब्लिक फंड से उनको मिला, मतलब पब्लिक डोनेशन से उसको मिला है. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब ये ड्रामा चल रहा था तो बहुत सारे लोग आते थे और मैं 10,000 दिन का कमाता था, बट अभी कम लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग सेल्फी लेने के लिए आते हैं, तो अब मैं 3 से 5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ. आई नो मैं बहुत वियर्ड साउंड करने वाला हूँ और लगेगा मैं स्वाद ऑफिसियल को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट इतना लालच लेके कहाँ जाओगे बाबा, बाबा कहाँ जाओगे? अबे 3,000 रुपये ले लो, अगर मैं पर डे 3,000 रुपये कमा रहा हूँ जो मैं नहीं कमाता, अबे यार डील, मैं भी रेडी खोल देता हूँ बहनचोद, खाना बनाना भी नहीं आता मुझे तो, बट 3,000 तुम कमा रहे हो एक दिन का, मल्टीप्लाई 10, 30,000, मल्टीप्लाई 30,000 तुम 10 दिन में कमा रहे हो, 30 दिन में 90,000 खर्चा ले लो तुम, 40,000, 50,000, फिर भी तुम 40 से 50, कम से कम 45,000 प्रॉफिट में रहोगे अगर मैं सारे एक्सपेंसेस हटा देता हूँ. महीने का 40-50 हज़ार कमाना छोटी अमाउंट है. अरे तुम क्या साले जॉब कर रहे हो बहन, जो जॉब छोड़ो, रेडी लगाओ भाई, कुछ नहीं रखा सैलरी में, बस इज्जत मिलती है, पैसे नहीं. और जो जॉब कर रहे हैं उनको पता है गाण देने के बाद उतने मिल रहे हैं, इज्जत तो फिर भी नहीं मिल रही, कम से कम यहाँ पे मालिक तो कहलाओगे अपने. ये बस कैलकुलेशन समझाना था, मतलब 10,000 भी तुम पर डे कमा रहे थे उस टाइम पे, तो तुम ये बोलो कि एकदम से अय्याशी हो गई, सब कुछ उड़ा दिया तुमने. सर 10,000 कमा रहे हो, 1,00,000 रुपये 10 दिन. बट नहीं, मैं वो सब नहीं कह रहा, मैं बस कैलकुलेशन बता रहा था, क्योंकि अगर पब्लिक का पैसा है तो तुम्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी. अभी तक FIR दर्ज नहीं करी पुलिस ने, वो देख रही है मैटर में, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मे बी कुछ हुआ है, मुझे नहीं मालूम. बट ये बात भी सच है कि गौरव ने लाइव स्ट्रीम में खुद बोला है कि 2-3 लाख छोड़ो, 20 लाख रुपये की डोनेशन आ चुकी है, जिसके बाद तुम FD की बात कर रहे थे, और तुम्हारे मुंह पे क्या ऑन कैमरा है, और तुम एकदम पलट ही गए हो. मतलब क्या रामदेव को फॉलो करते हो क्या? कोरोनील आ रहा था, कोरोनील जो है ना, कोरोना सही करेगा जैसे रिलीज हो. अरे हमने कब बोला, हमने तो बोला ही नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा है वो. अब मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, या इवन बाबा के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर तुम 3 से 5 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो तो भी बहुत सही है, स्टेबल है पर डे वाइज मेरे हिसाब से, क्योंकि हम शुद्ध गरीब हैं. और रही बात गौरव की, मुझे लगता है पुलिस आ गई है तो वो इन्वॉल्व हो ही जाएगी, वो बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डिटेल्स देखेंगे उसको, फैमिली की, बस अपने को पूरा आइडिया मिल जाएगा. बट FIR दर्ज नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होने वाला वैसे, एक्चुअली टेक्निकली कुछ नहीं होने वाला. और इवन अगर फ्रॉड किया उसने, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसका अकाउंट बैलेंस है, वो उसका उसका अपना है, तो तुमने अपनी मर्जी से दिया है, चूतिया तुम्हारा कटा है. बाबा का भी कम कटा है, ज्यादा हमारा कटा है. तूने दिए थे पैसे? मैंने नहीं दिए. पागल है, हम शुद्ध गरीब है. एक बात नोटिस की तुमने, हम जिनकी भी बात कर रहे हैं ना, लाख लाख कमा रहे हैं हम, 1,000 वाले 100 वाले. तुम में से मेरे को जानना है, तुम में से कौन अमीर है? तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर किसके पास है? जिसके भी पास है मैं शाउट आउट दूंगा, डोनेशन देनी पड़ेगी तुम्हें. अरे यार सच में नोटिस करने वाली बात है ना कि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो लाख कमा रहे हैं, हम 1,000 पे और 100 वाले. जिंदगी बर्बाद हो गया बे. आज रात को 2 बजे मैं यही सोच रहा हूँगा, पैसा कहाँ है?
उनकी जेब में हमारी जेब में लौड़ा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ मालूम है, लाइक तो होता नहीं, डर से सब्सक्राइब तूने किया नहीं है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगी, और इंस्टा तो भाई साहब छोड़ ही दो, छोटी लुल्ली वाले लियोगे डैंग बनो, इंस्टा पे फॉलो करो, फॉलो करो, मैं वहां मिलता हूँ तुम्हें, चलो बाय, पीस। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो, वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है हो तो सब्सक्राइब। आज क्या इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैं नहीं कह रहा, अब्दुल कलाम ने कहा, बट ट्रू स्टोरी ब्रो।